YouTube पर व्यूज कैसे बनाएं। YouTube चैनल बनाना तो आसान है, लेकिन इस पर व्यूज बनाना उतना ही कठिन। अपना YouTube चैनल पर व्यूज बनाने के लिए आपको कुछ तरीकों को अपनाना होगा, जिससे आप अपने YouTube चैनल पर व्यूज बढ़ा सकते हैं, या यूं कहें कि जिससे आप अपनी वीडियो पर व्यूज बढ़ा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल सर्च में स्वागत करता हूँ। चलिए जानते हैं। दोस्तों मैं कुछ पॉइंट आपको दूंगा, तो पहले पॉइंट पे बात करेंगे शेयर ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के बारे में कौन नहीं जानता, आज प्रत्येक व्यक्ति सोशल मीडिया का प्रयोग करता है। इससे आप फेमस भी हो सकते हैं, आप अपनी वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर भी कर सकते हैं। और जैसे अगर बात करें फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ये सभी बहुत ही फेमस प्लेटफॉर्म है दोस्तों। इन पर लोगों के साथ अपनी वीडियो को शेयर करें। अगर उन्हें आपका वीडियो पसंद आता है तो वह लोग आपकी वीडियो को लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों अपन अब बात करते हैं दो नंबर पॉइंट की। अपने व्यूअर्स के कमेंट को कभी भी अनदेखा ना करें। अपने व्यूअर्स के कमेंट को पढ़ें, और अगर उनका आपसे कोई सवाल है तो उन्हें रिप्लाई जरूर करें। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यूअर्स के कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका उत्तर हमको पता नहीं होता है। अगर आपको पता नहीं है तो आप अपने दोस्तों के साथ पता करें। अगर तब भी उसका उत्तर नहीं मिलता तो गूगल की मदद भी ले सकते हैं, और तब भी आपको उसका उत्तर नहीं मिल सकता है तो उनको आप सॉरी बोल के रिप्लाई कर सकते हैं, पर रिप्लाई जरूर दें। दोस्तों अपन अब बात करते हैं तीन नंबर पॉइंट की। क्रिएट ए ब्लॉग फॉर यूट्यूब चैनल। अपनी वेबसाइट बनाए अपनी यूट्यूब चैनल के नाम से। यही हूं कहें कि अपना एक वेबसाइट बनाए अपनी यूट्यूब चैनल के नाम से। आप अपनी यूट्यूब चैनल के लिए यदि ब्लॉग बना लेते हैं, ब्लॉग का मतलब वेबसाइट, तो ये बहुत ही बढ़िया होगा कि इससे आप ब्लॉग पर वीडियो शेयर करके उनका प्रमोशन भी कर सकते हैं, और ब्लॉग पर गूगल एडसेंस की एड लगाकर उससे भी अर्निंग कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अपन अब बात करते हैं चार नंबर पॉइंट की। सिलेक्ट गुड कीवर्ड या गुड टैग, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं। यदि आप कीवर्ड पर फोकस किए बिना टैग सेलेक्ट कर लेते हैं तो इससे आपको कोई भी फायदा नहीं होगा दोस्तों। टैग के लिए अच्छे कीवर्ड चुनें। कीवर्ड आपकी वीडियो से संबंधित होना चाहिए, नहीं तो आपके अकाउंट पर YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक लग जाएगा। टैग को ज्यादा ना भरें, सिर्फ उन टैग को लगाएं जिसके बारे में आपकी वीडियो है, या जिस भी टॉपिक के बारे में आपकी वीडियो है। दोस्तों अपन हम यहाँ पे बात करेंगे पांच नंबर पॉइंट की। रीनेम वीडियो फाइल। वीडियो बनाने के बाद उसे रीनेम जरूर करें। रीनेम में आपको उसी कीवर्ड को एंटर करना है जिस पर आपने वीडियो बनाया है। रीनेम करने के बाद ही वीडियो को अपलोड करें। बहुत से यूट्यूबर वीडियो बनाने के बाद वीडियो फाइल का नाम चेंज नहीं करते हैं। वीडियो रीनेम करने के लिए सिर्फ वीडियो के नाम को एडिट करना होता है। दोस्तों इस तरीके से आप अपने व्यूज बढ़ा सकते हैं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो और इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे चैनल टेक्निकल सर्जी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वो नीचे वाला लाल बटन दबा के, और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट करके भी अपनी राय दीजिएगा। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट कीजिएगा, हम उसके बारे में वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे और आपकी कंफ्यूजन को दूर करने का भी पूरा प्रयास करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।